क्या आप भी अपने बच्चों को लंच बॉक्स में नई नई डिशेस देना पसंद करते हैं? नमस्कार दोस्तों, निधि की विधि में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए चलते हैं मेरी किचन में और बनाते हैं बिल्कुल ही डिफरेंट तरह का ब्रेड टोस्ट। ब्रेड टोस्ट के लिए आपको क्या करना है ना, आप जितनी भी वेजीज इसमें डालना चाहते हैं आप सब डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो हरी वाली प्याज आती है उसके मैंने पत्ते यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे मैंने प्याज लिया है थोड़ा सा, और थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्ची ली है, गाजर ली है, पत्ता गोभी ली है और टमाटर ली है। सबको मैंने क्या करा है, बारीक बारीक काट लिया है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को वेजीज खिलाने का। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच ली है मलाई, जो घर में हम दूध के ऊपर से निकालते हैं ना, बस वही मलाई है। थोड़ा सा हम इसको इस तरह से मैश कर लेंगे, थोड़ा सा फैट लेंगे। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम जो सूजी होती है वो। ये सूजी मैंने सेकी नहीं है, बिल्कुल जैसे मार्केट से आती है, बस एज इट इज़ हमें इसके अंदर डाल देनी है। और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए जो मलाई है वो मिक्स कर ली है मैंने, लेकिन जो घोल है, जो बैटर है, अभी काफ़ी गाढ़ा है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। तो आप कोई सा भी दूध इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, चाहे वो आपका बॉइल्ड हो या बॉइल्ड नहीं हो, कोई सा भी दूध आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और जब दूध ऐड करेंगे तो हम इसको फिर से अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये दूध डाल के मैंने अच्छे से मिक्स करा है। देखिए इस तरह का जो थोड़ा पतला बैटर है, बस इसी तरह का हमें चाहिए। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको 10 से 15 मिनट सूजी को इसी तरह से छोड़ देंगे, क्योंकि सूजी क्या होती है ना, थोड़ी सी फूलती है तो क्या हो जाता है, गाढ़ी हो जाती है। तो हम 10 मिनट बाद देखेंगे कि इसमें हमें और दूध डालने की ज़रूरत है या नहीं। तो 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद देखिए सूजी देखिए कितनी फूल गई है और गाढ़ी भी हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, दोबारा से हम इसे पतला करने के लिए क्या डालेंगे, इसमें दूध। आप चाहें तो पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध से क्या होता है, इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। बस ये मैंने और दूध डाला है इसमें और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए जो टोस्ट का हमारा जो बैटर है, सूजी वाला जो बैटर है, वो तैयार है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होती है, इस तरह से गिरता हुआ जो होता है, बस इस तरह से हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने वेजीज काट के हमारी रखी हुई थी वो इसके अंदर सारी की सारी ऐड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्याज जो है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद मैं ऐड करूँगी जो ग्रीन प्याज होती है उसकी जो मैंने पत्तियाँ काट के रखी थी वो इसके अंदर मैं थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा गाजर और थोड़ी सी जो शिमला मिर्ची मैंने काटी थी वो, और पत्ता गोभी, और इसके अलावा मैं इसके अंदर जो टमाटर है वो भी ऐड कर रही हूँ। तो देखिए सारी वेजीज मैंने ऐड कर दी हैं और कितना कलरफुल लग रहा है, ये दिखने में ही बहुत टेस्टी लग रहा है, और जो बच्चे होते हैं ना उनके लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो बस अब हम क्या करना है, हमें अच्छे से इसको मिक्स कर देना है ताकि जितना भी ये सब्जियों का जो भी फ्लेवर है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मैंने इसको कर दिया है मिक्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। तो नमक जो है कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे हम डाल सकते हैं। और ऐसे ही हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है इसके अंदर जो रेड चिली पाउडर होता है, लाल मिर्ची का जो हमारा पाउडर होता है वो। और ऐसे ही हमें थोड़ी सी डालनी है इसके अंदर काली मिर्ची। काली मिर्ची जो है वो आँखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो आप अपने बच्चों को काली मिर्ची ज़रूर खिलाएं। और हमें अच्छे से अब इसको क्या कर लेना है, मिक्स कर लेना है। तो टोस्ट का बैटर हो गया है अच्छे से मिक्स, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जो है इसका कलर आया है। चलिए अब हम आगे टोस्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले ली है ब्राउन ब्रेड, और इसको जो है बीच में से मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, जो हमने सूजी का जो बैटर बनाया था ना, बस वो हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे, इस तरह से अच्छे से इसको हम ऊपर से पूरा कवर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे जितने भी ब्रेड के पीसेस थे अच्छे से उसको इस बैटर से मैंने कवर कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको अच्छे से सेकेंगे। यहाँ पे मैंने जो तवा है वो रख लिया है, और इस पर पहले हम ना थोड़ा सा घी लगाएंगे, और घी को ना अच्छे से हमें फैलाना है सारी तरफ, बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाना है, बस थोड़ा थोड़ा ही घी लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो बैटर था हमारा उसमें मलाई थी। और अब हमें क्या करना है,
जो हमने बैटर के साथ जो ब्रेड हमारी तैयार की हुई है, बस इसको हम पहले दूसरी तरफ से सेकेंगे। मतलब जहाँ पे बैटर लगा हुआ है ना, हमें पहले वहाँ से नहीं सेकना है, उसके दूसरी तरफ से। बस थोड़ी देर में ही ये जो है एक तरफ से सिक जाती है, और एक तरफ से सिकने के बाद हमें क्या करना है, इसे पलट देना है और इसको दूसरी तरफ से भी हमें अच्छे से सेक लेना है। तो यहाँ पे सारी ब्रेड जो है वो मैं पलट देती हूँ और इसको दूसरी तरफ से जो बैटर वाला जो साइड है वहाँ से हम इसको अच्छे से सेकेंगे। पलटने के बाद ना हमें थोड़ा सा इसको इस तरह से हल्का सा दबा देना है ताकि जो बैटर है ना वो इस पे अच्छे से चिपके रहे, हटे ना बैटर। क्योंकि क्या होता है, बैटर अगर थोड़ा सा भी ढीला रह जाता है या थोड़ा सा भी हम इसे पुश नहीं करते तो वो तवे पे चिपक जाता है और हट जाता है। इसलिए इसको हल्का सा इस तरह से हम दबा देंगे। तो दूसरी तरफ से भी ना अच्छे से सिक चुका है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे ये देखिए। और अब आप देखिए कि जो बैटर है ना वो बिल्कुल भी तवे पे चिपका नहीं है, क्योंकि मैंने क्या करा था, आपने देखा था ना कि थोड़ा थोड़ा सा मैंने जो है ब्रेड को इस तरह से दबा दिया था। तो बस बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। तो बस अब ये जो सारी ब्रेड हैं वो एकदम बनके तैयार हैं। ये देखिए, ये देखिए कोई भी जो ब्रेड है ना वो बिल्कुल भी तवे पे चिपकी नहीं है, अच्छे से ये इस पे सेट हो गई है। तो बस अब हम इसको सर्व करते हैं।